सभी को हमारा सादर नमस्कार। मैं गौरव पांडे, जैसा कि आह्वान किया गया है कि 4 तारीख को प्रातः 7:30 बजे हम सभी लोग हज़रतगंज चौराहे पर गांधी जी की प्रतिमा के पास मिलेंगे। सभी शिक्षक साथियों, महिला साथियों से विनम्र करबद्ध निवेदन है कि आप लोग सभी लोग सुबह 7:30 तक हज़रतगंज चौराहे पर मिलें। कारण समझिए, देखिए 10 बजे हम लोग सचिव के यहाँ सब लोग पहुँच सकते हैं, लेकिन प्रातः 7:30 बजे माननीय ब्रजेश पाठक जी के यहाँ जब हम लोग पहुँचेंगे तो 7:30 से लेकर 8 बजे तक हम वहाँ पहुँच जाएंगे और 8:30 से लेकर 9 तक हमारी उनसे मुलाकात हो जाएगी। जितना अधिक संख्या बल होगा उतनी जल्द माननीय हमारी बात को सुनेंगे और कल अपने समक्ष ही सचिव साहब को फोन कराने के पश्चात हम लोग सचिव साहब के यहाँ जाएंगे। देखिए, माननीय जी ने अगर कल इंटरेस्ट ले लिया और वो इंटरेस्ट केवल और केवल डिपेंड करेगा हमारी महिला शिक्षकों की संख्या पर। अगर महिला शिक्षकों की संख्या अधिक है तो कल ही वो इंटरेस्ट लेंगे और कल ही अगर उन्होंने सचिव साहब को फ़ोन कर दिया तो हम लोग 10 बजे सचिव साहब के पास जाकर अपनी बात रख सकेंगे। जैसा कि विदित है कि पिछली बार सचिव साहब ने ज्ञानवीर भाई और वाजपेयी जी को बताया था या उनसे बोला था कि शासन से कहलवाइए। कल इस बात का तोड़ हम सचिव साहब को देंगे कि साहेब, शासन से कहलवा दिया, अब बताइए अब क्या किया जाए। संख्या बल अच्छा होगा तो कल दबाव अच्छा होगा और केवल कल का मतलब परसों की बात मैं कर रहा हूँ, 4 तारीख की बात कर रहा हूँ। मैं कल इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि अधिक से अधिक लोग कल की ही टिकट कराइए। कल किसी भी कंडीशन में हम लोग लखनऊ पहुँच जाएँ, वहाँ पर येन केन प्रकारण हम लोग स्टे करेंगे और परसों सुबह 7 बजे का समय लीजिए ताकि हम 7:30 बजे यथास्थान पहुँच सकें। देखिए, सर्दी बहुत है, बहुत परेशानियां हैं, लेकिन एक दिन की परेशानी हमें आगे का आराम दिला सकती है और अगर हमने कल और परसों का आराम करने का सोचा तो इन्हीं जनपदों में हम लोग फंसे रहेंगे। कोशिश करिए। ज्ञानवीर भाई, अविनाश भाई, वाजपेयी जी, श्वेता जी, निहारिका मैम, अंजू मैम, सौरभ भाई, बाकी सभी लोगों से जो सक्रिय हैं, आप सभी लोगों से करबद्ध निवेदन है, समयानुसार अपने साथियों को लाइए और कल हल्ला बोल देना है। कल हमें किसी भी कंडीशन में, मतलब 4 तारीख को किसी भी कंडीशन में हाँ करानी है या ना करानी है, जो भी है स्पष्ट हो। कोशिश करेंगे हर तरीके से खुल के बात की जाएगी, चाहे वो हमारे उप मुख्यमंत्री साहेब हों, चाहे वो सचिव साहेब हों, खुल के बात करने की कोशिश करेंगे। देखिए, यही 15 दिन की छुट्टियां हमें मिली हैं हम लोगों को, इन्हीं छुट्टियों का अगर सदुपयोग नहीं कर पाए तो फिर कुछ नहीं होने वाला। अभी हमारे एक मित्र हैं माननीय अशोक जी, बहुत सुंदर पोस्ट डाले हैं, आप सब देखिए। हमारी कुछ महिला शिक्षक हैं, अभी मेरे पास करीबन 10 फ़ोन आए, कुछ लोग अंबेडकर नगर से फ़ोन कर रही हैं, कुछ लोग कहीं और से फ़ोन कर रही हैं कि सर हम कैसे स्टे करेंगे, कहाँ स्टे करेंगे। अरे, निवेदन आपसे ये है कि 4-5 शिक्षिका बहनें एक साथ मिलिए और कहीं भी होटल ले लीजिए। लखनऊ जा रहे हैं, किसी इंटीरियर जगह में नहीं जा रहे हैं, सब लोग एक साथ रहेंगे, संख्या बल रहेगा। मैं खुद ही कल सुबह इंटरसिटी से, मैं अभी भी बलरामपुर में हूँ, मैं कल सुबह इंटरसिटी से यहाँ से निकलूँगा और कल किसी होटल में स्टे करूँगा। अगर किसी को इनसिक्योर फील हो रहा है, कोई परेशानी आ रही है, तो मुझे कॉल कर सकता है।
मैं आपके आसपास ही रहूँगा, कोई समस्या होती है तो आप मुझे कॉल करिएगा। अविनाश भाई, विनम्र निवेदन। ज्ञानवीर भाई, वाजपेयी जी, श्वेता बहन, आप सभी लोग, निहारिका जी, बहाना नहीं चलेगा, रिक्वेस्ट है, हम सबका काम है, हम सब लोग एक साथ होकर जाएंगे तो बहुत जल्द सुनवाई होगी। अधिक मैं क्या बोलूं, कुछ नहीं है बोलने लायक, लेकिन हाँ, एक दिन 4 तारीख प्रातः 7:30 बजे किसी भी कंडीशन में हजरतगंज चौराहे पर हम सबको इकट्ठा होना है। वहाँ से ब्रजेश पाठक जी के यहाँ जाना है, जहाँ पर उपस्थिति दर्ज कराएंगे। हम सभी वहाँ पर उपस्थिति दर्ज कराएंगे, उनके रजिस्टर में नाम लिखे जाते हैं, सभी शिक्षकों के नाम क्रमशः लिखे जाएंगे। कम से कम 100 से 150 की संख्या में सुबह भीड़ होनी चाहिए, ताकि माननीय जी खुद बाहर आकर हम लोगों की समस्या सुन सकें, यथार्थता पूर्वक हम उनसे अपनी समस्या बता सकें। इसके पश्चात हम लोग सचिव साहब के पास जाएंगे। बाकी किसी को कुछ भी अन्य जानकारी चाहिए कॉल कर सकता है, अविनाश जी, ज्ञानवीर जी, श्वेता जी, मैं खुद, आप किसी को भी कॉल कर लीजिए, किसी भी समय आप हमारी सहायता ले सकते हैं। एक दो मुद्दे और भी आए, मैं सुबह से करीबन 85 कॉल मेरे पास आ चुकी हैं। बहुत सारे भाई बहन फोन कर रहे हैं कि मेरे साथ ये समस्या, मेरे साथ वो समस्या, मेरे साथ ये समस्या। अरे भाई, ऐसी समस्याएं लगी ही रहेंगी, मेरे साथ स्वयं की बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन ये पता है कि अगर इस समस्या को नहीं सुलझाया तो ऐसी समस्याएं जिंदगी भर लगी रहेंगी। सबसे पहले प्रायोरिटी बेस पे ये समस्या है, इसको निपटाइए, इसके पश्चात बाकी सारी समस्याएं हम स्वतः ही सॉल्व हो जाएंगी। भाइयों, विलंब न करें, अब नहीं, अगर इस बार भीड़ नहीं हुई, इस बार संख्या बल नहीं आया तो भूल जाइए, हम भी बैठ जाएंगे, आपका होगा तो हमारा भी होगा, हम भी बैठ जाएंगे। आप सब ये सोच के बैठे हुए हैं कि अगर गौरव पांडे, ज्ञानवीर जी या उपाध्याय जी या अविनाश जी का या हिना इस्लाम जी का या श्वेता सिंह का ट्रांसफर होगा तो हम सबका होगा, भूल जाइए, किस भूल में रह रहे हैं भैया, एक बार गलती कर चुके हैं हम सब। आपको ज्ञात होगा, जो हमसे सीनियर लोग हैं या जो जानकारी अधिक रखते हैं, उन्होंने मुझे बताया कि पिछली बार भी करीबन 450 से 500 लोग जो निष्क्रिय थे, जो शांत थे, केवल न्यूज लेने के लिए बैठे थे, वो लोग आज भी बैठे हैं। उनका ट्रांसफर नहीं हुआ, उनका जिला आवंटन नहीं हुआ था। क्या चाहते हैं, केवल केस किया, याची बने, ऑर्डर ले लिया, हो गया ट्रांसफर, तो बैठिए घर पर। अरे निकलो, रजाई से, कंबल से बाहर निकलो, समय दीजिए 4 तारीख, अपने जीवन के भविष्य के नाम करिए, कोशिश करिए सभी लोग अपने भाई बहनों को लेकर के सुबह 7 बजे 4 तारीख को किसी भी कंडीशन में हजरतगंज चौराहे पर पहुंचेंगे। आपका अपना गौरव पांडे, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।